आखिर कितने बजट में बनकर तैयार होगी रेस 4? क्या रेस 4 में सलमान की भांजी करेंगी डेब्यू? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक नई और खास वीडियो में, और मैं हूं आपके आज के होस्ट अनुष्का त्यागी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं फिल्म अतरंगी रे से जुड़ी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा उसके बारे में। दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स पर होगी डिस्कशन आज की इस वीडियो में, तो आपके कीमती समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रेस बॉलीवुड की सबसे सफल और लोकप्रिय फ्रेंचाइजी में से एक है। लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की अंतिम किश्त में सलमान खान मुख्य भूमिका में थे, और बता दें कि रेस 4 पर काम चल रहा है। सलमान खान की फिल्म रेस 3 रिलीज हुई थी 2018 में। रेमो डिसूजा की एक्शन थ्रिलर में अनिल कपूर, बॉबी देओल, जैकलिन फर्नांडिस, डेजी शाह, शाकिब सलीम और फ्रेडी दारूवाला ने भी अभिनय किया था। फिल्म जिसे दोस्तों 2008 की मूल फिल्म का रीबूट माना जाता था। रेस 4 फिलहाल स्क्रिप्टिंग स्टेज में है और इसे शिराज अहमद लिख रहे हैं। शिराज, जिन्होंने फिल्म की पिछली 3 पार्ट्स पर काम किया है, करंटली 4th पार्ट पर काम कर रही हैं। और दोस्तों बता दूं कि अभी तक कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है कि क्या सलमान खान रेस 3 या सैफ अली खान रेस 1 और रेस 2 सीक्वल में 4th फिल्म के लिए वापसी करेंगे या नहीं। फ्रेंचाइजी की पहली सीक्वल 2008 में रिलीज हुई थी, और दोस्तों इसे सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, कैटरीना कैफ, बिपाशा बासु और अनिल कपूर ने मेन रोल प्ले किया था। दूसरे सीक्वल में सैफ अली खान और अनिल कपूर को बरकरार रखा गया, और फिल्म में अन्य किरदारों को यानी कि जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण, जैकलिन फर्नांडिस और अमीषा पटेल ने निभाया था। पहले 2 सीक्वल का निर्देशन अब्बास मस्तान ने किया था, जबकि दोस्तों तीसरे सीक्वल का निर्देशन रेमो डिसूजा ने किया था। अब दोस्तों बता दो कि फिल्म के तीसरे सीक्वल ने टोटल कलेक्शन 150 करोड़ रुपए कर पार कर लिया था, जो कि उस समय के हिसाब से काफी अच्छी कमाई थी। वहीं बात करें आने वाली रेस 4 की, तो इसका बजट होने वाला है काफी हाई, क्योंकि दोस्तों सलमान की आ रही लगातार हिट फिल्म्स और उनके बजट को देखने के बाद इतना तो कह सकते हैं कि रेस जैसी फिल्म जिसमें इतना तो कंफर्म है कि फिल्म में हाई लेवल स्टंट्स, लग्जरी रेस बाइक और कार्स का इस्तेमाल जरूर होने वाला है। और दोस्तों अनुमान के मुताबिक 400 करोड़ तक उड़ती उड़ती खबर आई है, वो भी दोस्तों सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग को देखते हुए। आगे जाकर बजट और बढ़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि सलमान अक्सर किसी नए एक्टर्स को डेब्यू कराने का मौका देते ही हैं, स्पेशली खासकर अपने फिल्मों में। तो दोस्तों खबरों के मुताबिक बॉलीवुड में जल्द ही एक और स्टार किड की एंट्री होने वाली है। सलमान खान जल्द ही अपनी भांजी अलीजा अग्निहोत्री को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। अलीजा सलमान की बहन अलवीरा और अतुल की बेटी है। इस फिल्म का निर्माण सलमान खान, अतुल और अलवीरा अग्निहोत्री करेंगे। तो ऐसा सुनने में आया है कि सलमान आने वाली फ्रेंचाइज में ये मौका अपनी भांजी को दे सकते हैं। सो गाइस, आपका इसे लेकर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो गाइस, इन द एंड और भी सारी अपकमिंग मूवीज और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज के राइटर है सुम्बिका।